एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल माओ लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। मैंने मीशो से कुछ पार्सल्स ऑर्डर करे थे, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं कि मैंने मीशो से क्या क्या ऑर्डर करा है। तो मैंने वहाँ से कुछ ये पार्सल्स ऑर्डर करे जिनको मैंने ओपन करके देख लिया है, बिकॉज मुझे ये एक एक करके रिसीव हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको ओपन करके देख लिया कि कैसे क्या है, एंड सब मुझे अच्छे रिसीव हुए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या परचेज करा है। फर्स्टली मैंने वहाँ से एक ये साड़ी कवर जो रहता है वो ऑर्डर करा है, एंड ये मुझे तीन मिले हैं, मतलब तीन के सेट में मुझे ये रिसीव हुए हैं। मैं पिक्चर आपको डाल दूंगी, मैं जो प्राइस है वो भी मेंशन कर दूंगी, और अगर आप लोगों को परचेज करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है जिसमें आप कम से कम पांच या छह साड़ीज आपकी रख सकते हैं, ये इस तरीके से। एंड यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है, तो आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी साड़ीज आपने रखी है, एंड आपको इजी रहेगा निकालना एंड रखना। तो ये इसमें आप सूट वगैरह भी रख सकते हैं, आप जो चाहे वो इसमें रख सकते हैं। मैंने साड़ीज को रखने के लिए ऑर्डर करा है ये, तो फर्स्ट मैंने ये ऑर्डर करा है, एंड काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ मुझे। जो इसका कपड़ा है वो भी अच्छा है, मतलब ठीक है। तो फर्स्ट ये परचेज करा मैंने वहाँ से। इसके बाद सेकंड मैंने वहाँ से एक जॉगर परचेज करा है, कुछ इस तरीके का है ये, एंड इसका जो कलर है वो क्रीम कलर है, मतलब थोड़ा सा क्रीम थोड़ा सा ब्राउन कुछ इस तरीके का कलर है। एंड सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इलास्टिक लगा हुआ है ऊपर इसके, एंड नीचे यहाँ पर भी इलास्टिक है। एंड इसमें मैंने मेरी जो साइज़ है वो 30 ऑर्डर करी है, एक्चुअली मुझे आता 28 है, बट अभी थोड़ा सा मैंने वेट गेन कर लिया है, तो इसलिए 30 साइज़ मैंने ऑर्डर करी है, एंड मुझे परफेक्ट फिट हुआ है ये। इसमें यहाँ पर दोनों साइड पॉकेट है, एंड यहाँ पर इलास्टिक है, एंड यहाँ पर ये इस तरह से बांधने के लिए दिया हुआ है, तो आप आपके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड कपड़ा भी इसका अच्छा है, तो सेकंड मैंने ये ऑर्डर करा है। देन उसके बाद मैंने वहाँ से एक और ये पैंट ऑर्डर करी है, ब्लैक कलर में है ये, एंड जो इसका बॉटम है वो इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड है और ब्लैक कलर में है ये, स्ट्रेचेबल है काफ़ी। एंड इसमें भी मैंने अपनी साइज 30 ही ऑर्डर करी है, एंड ये भी मुझे परफेक्ट फिट आया है। यहाँ पर इसकी इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से है, एंड कपड़ा भी इसका अच्छा है, और प्राइस वगैरह मैं आपको सब कुछ मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से है, तो एक पेंट मैंने लिए वहाँ से। देन उसके बाद मैंने वहाँ से ज्वेलरी सेट ऑर्डर करा है, जिसमें मुझे टू पीस ऑफ सेट रिसीव हुए, मतलब टू पीस ऑफ सेट था, तो वो मैंने वहाँ से परचेज करा है। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, बबल रेप होके, तो पैकेजिंग तो इसकी अच्छी आई है, बट फिर भी यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हो गया है, बट मुझे जो ज्वेलरी है वो सही रिसीव हुई है, मतलब कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ है। तो इसमें टू पीस ऑफ सेट मुझे मिले थे। सो फर्स्टली इसमें ये वाला नेकलेस रिसीव हुआ है, एंड ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, तो फर्स्ट ये वाला नेकलेस रिसीव हुआ है। इसके साथ इयररिंग भी है, तो इसके साथ की इयररिंग्स कुछ इस तरीके से है, ये छोटी छोटी सी क्यूट सी। तो फर्स्ट ये वाला, एंड सेकंड जो है वो मुझे ये लॉन्ग नेकलेस रिसीव हुआ है, दिस वन। जो इसकी क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, ना तो ज़्यादा क्वालिटी इसकी बेकार है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मीडियम है। तो जिस रेंज में मैं इसको परचेज करा है उस रेंज में तो प्राइस जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी है, एंड दिस वन। इसके साथ भी इयररिंग्स है, सो ये इसके इयररिंग्स है, ये भी काफ़ी प्यारी है। नीचे यहाँ पर घुंघरू लगे हुए हैं इसके, एंड कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन है, यहाँ पर नीचे घुंघरू लगे हुए हैं। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, बिकॉज मुझे कुछ लुक्स क्रिएट करने थे, तो इसलिए मैंने ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ऑर्डर करी है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो नेक्स्ट मैंने एंड लास्ट जो प्रोडक्ट मैंने वहाँ से ऑर्डर करा है वो है दिस वन। मैंने वहाँ से एक हैंड बैग ऑर्डर करा है, बहुत क्यूट सा छोटा सा, काफ़ी प्यारा लगा मुझे, देखते मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने वहाँ से ये परचेज कर लिया। बहुत क्यूट सा है, छोटा सा मैं आपको दिखाती हूँ।
दिस वन, ये हैंडबैग मैंने वहाँ से ऑर्डर करा है एंड इसमें दो जिप है एंड काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं इसमें। एंड जो इसकी स्ट्रैप है वो एडजस्टेबल है, सी आप इसको छोटा भी कर सकते हैं एंड बड़ा भी कर सकते हैं, आप अगर ऐसे कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं एंड अगर आप इसे क्रॉस बैग की तरह कैरी करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसका जो जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, जो इसकी डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है, डार्क ब्राउन कलर का है ये और काफ़ी प्रिटी हैंडबैग है ये, है छोटा सा क्यूट सा स्लिंग बैग बोल सकते हो, हैंडबैग बोल सकते हो, सो दिस वन। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी एंड आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको सारी चीज़ों की इमेज एंड जो प्राइस है वो सब मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप लोगों को परचेज़ करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल बटन, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैं जब भी कोई न्यू वीडियोज़ डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।